फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यामन पे। दोस्तों, मैं चंचल कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो बिहार सक्षमता का जो रिजल्ट आए बहुत दिन हो चुके हैं और हम सभी इस बात की प्रतीक्षा में कि हम लोग की काउंसलिंग कब कराई जाएगी और ज्वाइन लेटर कब तक मिलेगा, क्योंकि इस रिजल्ट को आए हुए लगभग मार्च में आया था। 2-2.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई गई है, जिसके पीछे सबसे मेन मुद्दा था आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि अब खत्म हो चुका है, नई सरकारी बनने वाली है। तो अब विभाग और कितना समय लेगा काउंसलिंग कराने में, ये सब बात आपको आज की वीडियो में बताएंगे। आप इसको लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो इसको व्हाट्सएप या तमाम सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करके जाइएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर साफ साफ है, सक्षमता काउंसलिंग एंड ज्वाइनिंग। दोस्तों, काउंसलिंग जो है हम तमाम आए दिन जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जून महीने में काउंसलिंग की बात कही जा रही है और कई दफ़ा तो ये बात स्पष्ट भी कर दी गई है कई सारे अखबारों में कि जो काउंसलिंग है वो 10 से 15 जून के बीच करा दी जा सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारे ACSK के पाठक सर हैं वो फिलहाल दिल्ली में गए हुए, उनका कोई पर्सनल काम है सर्जरी के लिए, उनका स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम था और उनकी जगह पे जो अतिरिक्त प्रभार मिला है वो डॉक्टर एस सिद्धार्थ को मिला है और उनके मॉनिटरिंग में ही काउंसलिंग होनी है, जिसको लेकर आने वाले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग में बैठक भी होने वाली है कि क्या कुछ प्रोसेस होगा काउंसलिंग को लेकर। तो ऐसे में जो आप सब कुछ देखेंगे तो इस बात को हम साफ साफ कह सकते हैं कि जून महीना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जून महीने में हम लोग की काउंसलिंग हो जाएगी। और उम्मीद रखिए कि अगर सब कुछ सही रहा तो जून माह के लास्ट तक स्कूल आवंटन भी हो सकता है, विलम्ब हुआ तो जुलाई में तो श्योरली हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो काउंसलिंग का डिटेल प्रोसेस है वो क्या है। तो काउंसलिंग का जो डिटेल प्रोसेस है दोस्तों, वो सेम हूबहू वही है जो BPSC TRE1 TRE2 में हुआ, यानी कि आपको आपके फ़ोन के नंबर पे मैसेज आएगा जो आपको स्कूल अलर्ट होगा TRE1 TRE2 के तर्ज पे, और इसलिए आपको अपना फ़ोन पर अपडेट रखना है। और काउंसलिंग जो है आपका अपना उस ज़िले में होगा जो ज़िला आपको अलॉट हुआ, जो आपको आवंटित हुआ है प्रथम चॉइस के तौर पे, वहीं पे आपको काउंसलिंग आपको अपनी करवानी है। पहले बात ही पटना में होगी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका संबंधित ज़िला है वहीं पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। हो सकता है जिला का जो मुख्यालय हो, DRCC भवन हो, जहाँ भी उनको सूटेबल प्लेस लगे वहाँ पर काउंसलिंग कराई जाएगी तमाम उन शिक्षक की जिन्होंने सक्षमता प्रथम पास की है। और ऐसे में काउंसलिंग में वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं जो आपने फॉर्म भरते समय दिए थे, चाहे आपका मैट्रिक का अंक पत्र हो, मूल प्रमाण पत्र हो, ट्वेल्थ का हो, आपका ग्रेजुएशन का हो, BEd का हो, DLed का हो, CTET का हो, BTET का हो, एनीथिंग जो कुछ भी आपने वहाँ पे लगाया, चाहे आपको आरक्षण से संबंधित जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ दिए हैं, आय आवासीय जाति जो भी कुछ आपने वहाँ पर लगाया हुआ है, वो तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाने हैं, उनसे आपको मैच उनसे आपका मिलान किया जाएगा जो आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, उसके बाद ही आपको फर्दर जो है रिकमेंड किया जाएगा स्कूल अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए। तो ये सारी जो डिटेल इसमें जो बातें हैं उसमें वही है कि आपको अपने सारे वो डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं जो कि आपने आवेदन में दिए थे। साथ साथ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है जो कि आपने आपको सक्षमता का जो रिज़ल्ट है उसका प्रिंट आउट कलर में निकाल लें, क्योंकि वो भी वहाँ पे मेन चीज़ वही देखी जाएगी, सक्षमता का प्रिंट आउट कलर में 2-3 प्रति निकाल के रख लें। और साथ साथ जो आपने फॉर्म भरा था सक्षमता का उसका भी PDF जो अगर आपके पास है पहले वाला तो वो भी आप रख सकते हैं, इनकेस अगर आपके पास एडमिट कार्ड भी सक्षमता का है तो आप वो भी रख सकते हैं ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत ना आए। हालाँकि एडमिट कार्ड सबका जमा हो गया था लेकिन बहुत साथी ने उसको उसका जो फोटो कॉपी करा के रख लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, ये आगे आपको काम आएगा। आगे डॉक्यूमेंट नीडेड, तो मैं अभी इसी बात कर रहा था, 10th क्लास स्टार्ट करके 10th का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, 12th का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, DLed का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, BEd का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, CTET का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, BTET का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हों, जाति, आय, आवासी, जो भी कुछ आपने लगाया है, क्रिमिलियर, सब कुछ आपको अपडेट रखना है, आधार कार्ड तक आपको अपडेट रखना है, ये तमाम कागज़ जो आपको अपने पास अपडेट रखना है, साथ साथ आपको सक्षमता रिजल्ट सब कुछ आपको रखना है अपडेट ताकि कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ BPSC TRE अपडेट है जो कि आपको पता है कि जून महीने का एग्ज़ाम होना है,
तो ऐसे में जो सेंटर्स वगैरह बुक कराई जा रही है तो समय होता है आपका एग्ज़ाम जून में हो सकता है, डेट भी काफ़ी तक आपको पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे और बातें हैं काउंसलिंग में, जो सबसे मेन बात है आपको ध्यान ये रखनी है कि इसके लिए आपको जो भी चीज़ें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके अगर जमा है किसी भी विभाग के पास, सपोज़ अगर आपकी किसी न्यूज़ मीडिया इकाई के पास बहुतों को नहीं मिले, हालांकि बहुत हद तक को मिल चुके हैं, तो आप वहाँ को निकलवा लीजिए ताकि आपको कोई समस्या काउंसलिंग में ना आए। और इसके साथ साथ जो है स्कूल आवंटन का जो प्रोसेस है वो पटना सचिवालय से होगा, रैंडमाइजेशन के थ्रू होगा, और रैंडमली किसी को कोई सा स्कूल दिया जा सकता है। हालांकि न्यूज़ ये भी है जो स्कूल है वो मार्क्स बेस पे मिल सकता है, शहर का स्कूल जो भी है उनको मार्क्स बेस पे भरने का पूरा प्रावधान है, उसको उसी तरीके से सिस्टम को तैयार किया जा रहा है कि जो टॉप अच्छे मार्क्स के शिक्षक जिनकी हैं सक्षमता के उनको शहर के स्कूल मिले, और जिनके मार्क्स ओवरऑल खाली क्वालिफाई उनको ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल मिले। हालांकि देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि किस प्रोसेस के थ्रू वो स्कूल आवंटन करते हैं, लेकिन अगर हम बात माने जो अभी तक का प्रोटोकॉल उन लोगों का है वो ये है कि मार्क्स बेस पे हम शहर का स्कूल भरेंगे, उसके बाद हम बाकी सब स्कूल भरेंगे। तो यानी कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप इस पर ये चीज़ अनुमान लगा सकते हैं जिसको शहर जाना हो कि आपको शहर का स्कूल मिल सकता है। और यहाँ पे एक बात आपके मन सवाल उठ रहा होगा कि कितने नंबर पे शहर का स्कूल मिलेगा और ग्रामीण स्कूल मिलेगा, तो इस पे जो मेरी अगली वीडियो जरूर आएगी ताकि आपको इस बात का कंफर्मेशन मिल जाए कि हमको स्कूल कितने मार्क्स पे मिलेगा। अगला यहाँ पे है आस्क योर क्वेरीज इन कमेंट, आपके जो भी कमेंट हो क्वेरीज हो कमेंट कीजिए, और एक बात मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दी पूरी वीडियो के अंदर, और क्या लाइटिंग इश्यू अभी इसके साथ अगर है तो बताइएगा, मैं इन दोनों को सॉर्ट आउट और करूँगा क्योंकि मैंने माइक भी यूज़ कर रहा हूँ और लाइटिंग की मैंने थोड़ा सुधार किया हुआ है, और अगर सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं लाइटिंग की और अच्छी व्यवस्था करूँगा। और ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, हो सकता है आप इसको रात में देखें या कल दिन में देखें, किसी टाइम देखें, मेन बात है लाइटिंग का इशू, जो बोर्ड आपको साफ साफ ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मेरा फेस साफ साफ दिखाई दे रहा है, और प्लस जो है आपकी आवाज़ मेरी बहुत अच्छी आ रही है, सारी बातें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकूँ, और पूरे प्रोसेस में मैं आपका साथ देने की पूरी कोशिश करूँगा कि काउंसलिंग कोई दिक्कत ना आए, डॉक्यूमेंट जो आपको जो देने काउंसलिंग उसमें कोई दिक्कत ना आए। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं इस पर आपको तमाम वीडियोस बना के देता रहूँगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं जितना हो पाएगा मैं इसके लिए भरपूर प्रयास और मेहनत आप सभी के लिए करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स आगे मिलती रही। तब के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।